अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस द नेचर ऑफ द रोड्स। जब रोड्स की नेचर फाइंड करनी हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डी आई एस सी से उसे डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4AC, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था उसमें स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो थी उससे हम डिस्कस उससे जो है हमें पता चलता है कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरह के होंगे। ठीक हो गया। ए क्वेश्चन नंबर 1 करें तो ए की वैल्यू, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट को ए की वैल्यू कहते हैं। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो बी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू क्या, किसे कहते हैं जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, 1 है तो ये सी की वैल्यू होगी। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर देनी है। बी की वैल्यू 6 थी तो ये 6 का स्केयर बन गया, माइनस 4। ए की वैल्यू 4 लिखती और सी की वैल्यू 1 लिखती। 6 का स्केयर हमारे पास क्या आता है, 36। 4 4 16, 36 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 20। ठीक हो गया। अब 20 देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल, इक्वल, इक्वल भी कह सकते हैं और डिस्टिंग भी कह सकते हैं कि डिफरेंट, सॉरी अनइक्वल, अनइक्वल और डिस्टिंग भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। अब आगे देखें, ये पहले तो हमने देख लिया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है ये लेस देन जीरो, वो हमने हो गया। अब अगली चीज़ इसमें क्या देखनी होती है, एंड नॉट परफेक्ट स्केयर। अगली चीज़ देखनी होती है कि परफेक्ट स्केयर है या नहीं। 20 परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी के, तो इसका मतलब यह क्या होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे 4, 9, 25, 16 इस तरह कोई आ जाता है जो परफेक्ट स्केयर होता, तो फिर हम यहाँ इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल लिखते। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में देखें, एक्स के कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 5, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 6, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, 4AC था ये। बी की वैल्यू क्या है, माइनस 5, माइनस 5 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6। 5 का स्केयर क्या आ जाएगा, 25, और माइनस स्केयर की वजह से हो जाएगा प्लस, माइनस 6 4 24। 25 में से 24 माइनस किए तो क्या आ गया, 1। 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए इक्वल, सॉरी रियल, अनइक्वल और डिस्टिंक हो गया। अब 1 जो है परफेक्ट स्केयर है, जाहिर सी बात 1 परफेक्ट स्केयर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड परफेक्ट स्केयर, और परफेक्ट स्केयर की वजह से ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक हो गया। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो ग्रेटर देन 0 है, इसकी वजह से रियल और अनइक्वल मतलब डिस्टिंक हो गया। फिर वो परफेक्ट स्केयर भी था इसलिए हमने लिख दिया रैशनल, कि वो रैशनल नंबर भी है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन में देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 5, तो बी की वैल्यू माइनस 5 आ गई। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इधर यहाँ पे हम इसकी इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं कि इनके जो रूट्स की नेचर है वो क्या आती है हमारे पास। बी की वैल्यू क्या थी, माइनस 5, ये माइनस 5 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है, 1। 5 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, और माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो गया, माइनस 4 2 8। 25 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 17, जो है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो रियल, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट हो गया। एंड ये परफेक्ट स्केयर है, 17 ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट स्केयर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल साथ में हो जाएगा। अगर परफेक्ट होता तो रैशनल, नॉट परफेक्ट स्केयर तो इरेशनल आ गया। ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 25, तो हमने ए की वैल्यू लिखती 25। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 30, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 30। सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 9, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9। अब यहाँ इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि इसको फोर्थ वाली जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसकी नेचर क्या है हमारे पास। ठीक हो गया। बी की वैल्यू क्या थी, माइनस 30, तो बी की जगह हम लिख देंगे माइनस 30 और उसका हो गया स्केयर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, 25, हमने लिख दिया 25। ठीक हो गया। सी की वैल्यू क्या है, 9, हमने इधर लिख दी 9। माइनस स्केयर कैसे हो गया प्लस, 30 का स्केयर क्या होता है हमारे पास, 900। माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 100। 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900, यह आ गया 900।
900 से 900 माइनस के तो हमारे पास आ गया जीरो, ये तो इक्वल आ गया जीरो के। जब रूट जीरो की इक्वल आ गई फिर आगे परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, जीरो की इक्वल आ गया तो रूट्स जब आ गए जीरो तो हम अनइक्वल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो की इक्वल आ गया तो रूट एक ही बनेगा, तो हम उसे कहेंगे रूट्स आर इक्वल, इक्वल भी इसे कहते हैं और रिपीटेड भी कहते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं रिपीटेड भी कह सकते हैं, और क्या होगा ये रियल भी होगा क्योंकि इसमें से स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन जो है कंप्लीट हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं इसके रूट्स को शो करवाना है कि विल बी इक्वल, हमने ये चीज़ शो करवानी है, विल बी रियल सॉरी। पहले तो हम लिखेंगे ए बी सी की वैल्यूज़, एक्स के कोफिशियन को क्या कहते हैं ए, तो एक्स के कोफिशियन क्या है वन, एक्स के कोफिशियन को कहते हैं बी, वो हमारे पास क्या है माइनस टू इंटू एम प्लस वन ओवर एम। ठीक हो गया, और कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है उसे हम कहते हैं सी, वो हमारे पास क्या है थ्री। ठीक हो गया, अब डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड करते होते रूट्स कैसे हैं, रूट्स की नेचर, तो डिस्क्रिमिनेंट को डी आई एस सी जो है इससे डिनोट करते हैं, जो इक्वल होता है बी स्केयर माइनस फोर ए सी, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में स्केयर रूट के अंदर वाली वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस टू इंटू एम प्लस वन ओवर एम, और बी का स्केयर था इसलिए सारी वैल्यू लिखने के बाद हमने होल स्केयर लगा दिया, माइनस फोर ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू थ्री थी। ठीक हो गया, माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो गया, टू का स्केयर आ गया फोर। अब ए प्लस बी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्केयर मतलब एम स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब वन ओवर एम स्केयर प्लस सी प्लस टू ए सी टू ए बी, टू लिखा ए हमारे पास एम था और बी हमारे पास वन ओवर एम था। ठीक हो गया, माइनस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, अब इन सब में से फोर कॉमन आ रहा है, हमने फोर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया एम स्केयर प्लस वन ओवर एम स्केयर, ये एम से एम कैंसिल प्लस टू माइनस थ्री रह गया, क्योंकि फोर कॉमन ली फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व तो थ्री रह गया, यहाँ आ गया फोर एम स्केयर प्लस वन ओवर एम स्केयर माइनस वन आ गया, थ्री में से टू माइनस करें तो वन आता है ना, माइनस का वन आ गया, फोर इंटू एम स्केयर प्लस वन ओवर एम स्केयर ठीक हो गया। अब फोर को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस वन को चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस टू माइनस वन, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस टू माइनस वन, फोर ये जो होगा ये सारा एम प्लस वन ओवर एम जो है इसे हम लिख लेंगे माइनस टू प्लस वन, फिर वो सेम बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो फिर ये एम माइनस वन का होल स्केयर बन जाएगा प्लस वन का स्केयर, तो हम इसे लिख सकते हैं फोर इंटू सम ऑफ द स्केयर, हमारे पास दो स्केयर वाली वैल्यू है जिनका सम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जब पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास ये क्या होगा रियल नंबर होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, तो जब ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास रियल बन जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक हो गया, सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास इक्वेशन में जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई है, जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई हो तो हम उसमें से ए बी सी जो है उसकी वैल्यूज लिखते हैं, और वो वैल्यूज कैसे लिखते हैं, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसे हम कहते हैं ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशियंट हमारे पास क्या है बी माइनस सी, वो ए की वैल्यू आ गई, और बी जो है वो किसे कहते हैं एक्स के कोफिशियंट को, एक्स का कोफिशियंट क्या है सी माइनस ए। ठीक हो गया, सी किसे कहते हैं एक्स कॉन्स्टेंट टर्म को, वो क्या है ए माइनस बी, सारी वैल्यूज लिख ली इसमें पुट करेंगे, बी की जगह आ जाएगा सी माइनस ए, हम लिखेंगे सी माइनस ए का स्केयर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी और सी की वैल्यू क्या है ए माइनस बी। ठीक हो गया, इसका स्केयर ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए सी माइनस फोर, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी माइनस बी स्केयर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, हम फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए सी माइनस फोर ए बी, माइनस में से साइन चेंज हो गया, प्लस बी स्केयर फोर बी स्केयर प्लस फोर ए सी प्लस माइनस फोर बी सी टू ए सी फोर ए सी, तो ये प्लस टू ए सी बन जाएगा, ए स्केयर पहले लिख लेंगे, अब बी स्केयर वाली वैल्यू ये प्लस फोर बी स्केयर, अब ये सी स्केयर वाली वैल्यू, अब ए बी, ए बी हमारे पास क्या है माइनस फोर ए बी और बी सी, ये माइनस फोर बी सी प्लस सी ए, ये दोनों होके हमारे पास आ जाएंगे टू सी ए,
तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस इसे लिख देंगे माइनस टू बी का स्केयर। माइनस को लिखा हुआ मैं भी आप लोगों को बताती हूँ किस वजह से ये माइनस लिखा है, फोर का टू और बी स्केयर का बी प्लस इसे लिख देंगे सी स्केयर माइनस टू। ए की वैल्यू ए क्या है हमारे पास और ये वैल्यू माइनस टू बी, ठीक हो गया। ऊपर वाली को देखिए अभी सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं प्लस टू। अब ये और ये वैल्यू आएगी माइनस टू बी और सी प्लस अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आएगी टू सी ए। अब देखिए ज़रा इसे इसका स्केयर ओपन करें ए स्केयर, इसका स्केयर ओपन करें टू का स्केयर फोर बी स्केयर और माइनस के फिर से प्लस, इसका स्केयर ओपन करें सी स्केयर ये आ जाएगा टू टू ज़ा फोर माइ टू माइनस फोर ए बी बन रहा है, टू टू ज़ा फोर माइनस फोर बी सी टू ए सी बन रहा है, सेम वही चीज़ बन रही है ना। ये हमने इसलिए लिखा ताकि ये जो साइन थे अगर ये दोनों में प्लस तो फिर हमें यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, हम प्लस ही लिख लेते, इन दोनों माइनस की वजह से हमने यहाँ माइनस लिखा है, ठीक हो। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, पहली वैल्यू ये दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू दरमियान में प्लस, तो यहाँ प्लस लगाए तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है ना, और उसका होल स्केयर ये ग्रेटर देन जीरो, ये साथ साथ स्केयर जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होती तो ये हमारे पास रियल नंबर बन गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व हो गया, आए क्वेश्चन नंबर थ्री जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।